अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियलवेज न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मोहम्मद अजीम। चलिए नज़र डालते हैं आज के अहम खबरों पर। हैदराबाद के दोमलगुड़ा रोज कॉलोनी में एलपीजी गैस सिलेंडर के ब्लास्ट होने से एक ही खानदान के 7 अफराद शदीद जख्मी, जिनमें 3 बच्चे बताया जा रहा है। जख्मियों को इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतखिम किया गया है। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में तामीरी मस्जिद की इब्तिदा 25 अगस्त के दिन होगी, किया सीएम केसीआर ने ऐलान। औरंगाबाद महाराष्ट्र एआईएमआईएम की जानिब से आज यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के मुखालिफत में मीटिंग मुनाकिद हुई। सीएम केसीआर ने पुराने शहर में मेट्रो वर्क को आगाज करने का ऑर्डर दिया है म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को। तेलंगाना के मिरियलगुड़े के हाथे में 2 किन्नर ग्रुप में झगड़ा, मिरियलगुड़ा पुलिस स्टेशन पर बरसाए गए पत्थर। ऑल इंडिया एमआईएम के सदर असदुद्दीन अवैसी ने कहा, हमने तेलंगाना के सीएम केसीआर से मुलाकात की और इनसे कहा कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के मुखालिफत करें।